अल्लाह ईद के मुकद्दस मौके पर तमाम खुशियां आपको अता फरमाएं और आपकी इबादत कबूल करें। आमीन। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिनाज एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप सब खैर से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का वीडियो है ईद स्पेशल। बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। ईद के खुशनुमा मौके पर इजी और जल्द बनने वाली मटन बिरयानी बनाएंगे। तो इसके लिए एक बॉल में 200 ग्राम दही को फेंट के लें, 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें, 1 पैकेट मेहरान का मटन बिरयानी मसाला डाल दें। इस मसाले की एक खास बात यह है कि इसमें किसी भी किस्म का आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवर शामिल नहीं, यानी कि ये 100% हेल्दी है। इसके अलावा जिन जिन चीजों की जरूरत होगी इस मसाले के हिसाब से वो लेंगे। तीनों को अच्छी तरह से मिला लें। चलिए अब इसमें 1 kg यानी कि 1 किलो मटन डाल दें। मटन को 2 से 3 दफा पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। मसाले से मैरिनेट करने के बाद कम से कम 1 घंटे के लिए एक तरफ रख दें। इसके अलावा हमें जरूरत होगी 1 आधी प्याली फ्रेश हरा धनिया चॉप करके लेना है, 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक कट करके लेना है, 1 से 1.5 कप तेल लेना है, 4 बड़ी साइज के प्याज का बिरिस्ता लेना है और लेना है 1 नींबू और सबसे जरूरी 1 kg बिरयानी राइस। इसे भी 2 से 3 दफा पानी से धो लिया और 30 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखा। तो सबसे पहले इसे ही पका लेते हैं। 10 से 12 ग्लास पानी में 2 से 3 छोटी इलायची, 7 से 8 काली मिर्च, 2 तेज पत्ता और नमक जायके के हिसाब से डाल दें। फ्लेम को मीडियम टू हाई की तरफ रखें। पानी में उबाल आने पर भिगोए हुए चावल डाल दें। बिरयानी राइस पकाते वक्त हमेशा 1 कसर बाकी रखना होता है, यानी 80% ही चावल को पकाना होता है। 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दें ताकि चावल हमारे खिले खिले हो। अब ये 80% के करीब पक गए हैं, इसमें जो आप पानी एक्सेस है वो निकाल लें और पंखे की हवा फुल स्पीड पे रख के ठंडा करें। बिरयानी राइस हमारे पक गए हैं, तो अब हम बिरयानी मसाला बनाते हैं। तो इसके लिए कुकर में 1 कप ऑयल डाल दें। फ्लेम को मीडियम टू लो की तरफ रखें। तेल गरम होने पर मैरिनेट किया हुआ मटन डाल दें। 8 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह चम्मच चलाते हुए भून लें। 2 टीस्पून कश्मीर लाल मिर्च पाउडर डाल के मिला लें। हमने नमक का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि मसाले में ऑलरेडी नमक शामिल है। आपको लगे तो पहले टेस्ट करें फिर ऐड करें। 3 मीडियम साइज के आलू को छील के हाफ कट करके डाल दें। वैसे मसाले के पैकेट में आलू नहीं है, लेकिन बगैर आलू के बिरयानी अधूरी लगती है। तो यहाँ पे अब हमने कुकर का ढक्कन लगा लिया है। मटन गलने के हिसाब से सीटी ले और 5 मिनट लो फ्लेम पे रख के फ्लेम बंद कर दें। अब दोबारा से फ्लेम ऑन किया है। अब इसमें तली हुई प्याज यानी के बिरिस्ता डाल दें। थोड़ा सा बाद के लिए बाकी रखें। कटी हुई हरी मिर्चें डाल दें। एक दफा खूब अच्छी तरह से मिला लें। बिरयानी मसाला भी परफेक्ट बन गया है।
तो चलिए अब हम बिरयानी के लेयर सेट करते हैं। तो पहला लेयर बिरयानी राइस का लगा लें। इसके बाद बिरयानी मसाला डाल दें। मसाले के लेयर लगा लेने के बाद इस पे फ्रेश हरा धनिया चॉप करके डालें और एक नींबू का रस डाल दें। अब इस पे बाकी की बिरयानी राइस डाल दें। मेहरान मसाला रेकमेंड करने की सिर्फ यही वजह है कि जो मेहनत लगती है बिरयानी बनाने में, और उस मेहनत के हिसाब से अगर बिरयानी ना बने, जायके में सही ना बने, तो सारी मेहनत बेकार लगती है। इसलिए मेहरान के मसालों की स्पेशलिटी ये है कि आपको घर बैठे बेहतरीन जायके का लुफ्त मिलता है। खाते खाते पेट भरे लेकिन मन ना भरे। तो अब हमने यहाँ पे बिरयानी राइस पे थोड़ा बरिस्ता, जाफरान और देसी घी डाला है। फॉइल पेपर से टाइट बंद करें और करीब करीब 15 मिनट के लिए धीमी आंच पे रहने दें। माशाल्लाह, क्या खूब खुशबू बिखेर रही है ये बिरयानी कि क्या ही बताएं। एक दफा जरूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज कर लें। लाइक, कमेंट और मुझे सपोर्ट करके अपना प्यार दिखाएं। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।